और सियालकोट शहर से 25 टू 30 मिनट्स की ड्राइव पर है। एक तो फिशिंग के लिए आते हैं पानी में, हमने मस्ती करते हुए सनसेट का सीन, और इसके तो गोलगप्पे ना बहुत ही आला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को करवा रही हूँ हेड मराला की सैर। वैसे तो कोविड है, सब लोग जो हैं वो घर पे रह रहे हैं, और आउटडोर भी जो है पिकनिक स्पॉट्स और बहुत सारी जगह बंद हैं। लेकिन ये ईद का चौथा या पांचवा दिन है, जब बच्चे जो है वो घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो सोचा कि कहीं किसी स्पॉट पे जाया जाए, किसी के पिकनिक पॉइंट पे जाया जाए। तो बस हेड मराला का दिमाग में आया, तो सोचा कि सियालकोट के जो करीब वाटर स्पोर्ट है या पिकनिक स्पोर्ट है, एक वो हेड मराला ही है। बच्चों को पानी के साथ खेलने का, पानी में इंजॉय करने का, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा, तो ये मूड हो रहा था। अच्छा, हेड मराला जो है वो दरियाए चनाब पर वाक़ है, और सियालकोट शहर से 25 टू 30 मिनट्स की ड्राइव पर है ये। और बहुत सुना था इस पिकनिक स्पॉट के हवाले से, तो सोचा कि क्यों ना हम इसका विज़िट करें। तो आइए आप भी हमारे साथ चलें और देखते हैं कि ये जो स्पॉट है पिकनिक स्पॉट, वैसे तो इसकी बहुत तारीख है और इसकी हिस्ट्री है और इसका पर्पस है, लेकिन मैं यहाँ पर इस व्लॉग में वो सब कुछ डिस्कस नहीं करूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ इसके पिकनिक स्पॉट होने के हवाले से जो है वो बात करूँगी। अच्छा, यहाँ पर लोग जो है ना वो मेनली तीन वजूहात की वजह से आते हैं। एक तो फ़िशिंग के लिए आते हैं, और दूसरा यहाँ पर स्विमिंग के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर स्विमिंग का प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, ये इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। इस वजह से आए दिन जो है वो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पर जो है वो लोग स्विमिंग करते हुए डूब जाते हैं, ख़ासतौर पर लड़के शड़के। और तीसरा, जैसे जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि एक पिकनिक स्पॉट है, आसपास के इलाके के जितने भी लोग हैं, जितने भी गांव या एरियाज इसको लगते हैं, वो सब लोग जो हैं वो इस तरह से वीकेंड्स पे या किसी भी ओकेजन पे या टाइम पास के लिए या इंजॉय करने के लिए फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आते हैं और पिकनिक मनाते हैं। आज हम भी बस इसी सिलसिले में निकले हैं और देखते हैं कि कितना इंजॉयबल स्पॉट रहता है। अच्छा, यहाँ पर जब आप एंटर होते हो तो टिकट तो रख दी गई है, ठीक है, 30 रुपीज़ पर है, राउंड अबाउट इतना टिकट है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको मेंटेन नज़र नहीं आएगा। अंदर जब आप एंटर होते हो तो एक साइड पे आपको ये झूले नज़र आते हैं, बच्चों के लिए ये इंटरटेनमेंट है, छोटे बच्चों के लिए जो है वो भी है और बड़े बच्चों के लिए भी है इंटरटेनमेंट। आप झूले ले सकते हैं, आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, अब हम मेन जो उसका स्पॉट है, जो पिकनिक पॉइंट है, वहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं। एक साइड पे आपको जो है ये रेस्टोरेंट नजर आता है, और यहाँ पर जो है वो छोटी सी कैंटीन्स भी बनी हुई हैं लोगों की रिफ़्रेशमेंट के लिए। आपको यहाँ पर गोलगप्पे और बाकी कुछ इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं।
तो फाइनली जनाब हम पहुंच गए हैं यहाँ पर इस पॉइंट पे जहाँ हम आना चाह रहे थे। यहाँ पर पानी देखते ही जो है वो गर्मी में वो एक ठंडक का जैसे एहसास होता है वही हो रहा था। और टाइम जो है वो 3 से 4 बजे के करीब का जो है वो टाइम है। और यहाँ पर आकर वाकई हमने देखा कि बहुत सारे फैमिलीज आई हुई थी और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो आसपास के एरिया से ज़्यादा थे और बच्चे पेरेंट्स और सब जो हैं वो पानी में ना बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे थे। और ये जो पॉइंट बनाया गया है लोगों के लिए, जो स्पॉट रखा गया है, वो इतना ज़्यादा गहरा पानी नहीं है यहाँ पर। और आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा कि आप आराम से छोटे बबच्चे जो हैं या 3-4 साल के बच्चे भी आराम से जो है वो अगर चाहें तो इसके अंदर जा सकते हैं और कोई इशू नहीं है। और बस बहुत सारा टाइम जो है वो इसी तरह से पानी में मस्ती करते हुए पानी के अंदर जो है वो पैर डालकर आप बैठे रहें और इस सनसेट को एंजॉय करें। ठंडा ठंडा पानी जो है वो गर्मियों में बहुत ही मज़ा देता है, तो बस इसी तरह से एंजॉय करते हुए टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ और शाम हो गई। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो प्रॉपर पिकनिक मनाने के लिए आए थे, अपने साथ जो है वो चटाइयाँ और खाने पीने का सामान और इवन सिलेंडर्स और चूल्हे साथ लेकर आए थे ताकि वो यहाँ पर बारबेक्यू करें, यहाँ पर कुकिंग करें और इस एनवायरनमेंट को एंजॉय करें। साथ ही यहाँ पर बोटिंग भी अवेलेबल है, जो लोग बोटिंग करना चाहते हैं मोटर बोट भी है और पैडल बोट बोटिंग की सहूलत भी है यहाँ पर, आप वो भी अवेल कर सकते हैं। सनसेट का सीन तो यहाँ पर बहुत ही आला था और इवन ये कि इस टाइम पर जो है वो हम लोगों ने घर वापसी का सोचा, लेकिन फैमिलीज जो हैं वो इस टाइम पर यहाँ पर आ रहे थे शाम के टाइम में, इवनिंग टाइम में वो घरों से निकल रहे थे और इस स्पॉट की तरफ आ रहे थे इसको एंजॉय करने के लिए। अच्छा, ये पिकनिक स्पॉट वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसको मज़ीद अच्छा बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं अगर मैनेजमेंट इंतज़ामिया इसकी तरफ देखे। सफाई कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं थी और बहुत ज़्यादा वेल मैनेज नहीं था, बस लोग अपने तौर पे ही पानी में इंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर पानी जो है वो फेंका जा रहा था, पानी के अंदर जो है वो चल रहे थे, पानी की गहराई जो एरिया लोगों को प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर उसकी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो बस इसी तरह से लोग खुद ही से इंजॉय कर रहे थे। अदरवाइज मैनेजमेंट की तरफ से कोई ख़ास प्रॉपर इंतज़ाम यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो सनसेट है ना वो यहाँ पर बहुत ही आला और बहुत ही कमाल का सीन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बस यहाँ पर आए हुए बहुत सारे लोगों, बहुत सारे फैमिलीज की तरह हमने भी पानी में खूब इंजॉय किया, भागे दौड़े और एक दूसरे के ऊपर पानी फेंका चले, और अब हम जो है वो वापसी की तरफ जा रहे हैं। जाते जाते मैंने सोचा कि मैं एक पूरा एक ओवरव्यू जो है उसका एक क्लिप बनाऊं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि असल में ये स्पॉट जो है वो दिखता किस तरह से है। यहाँ पर साथ ही में लोगों के लिए हैं वो छोटी छोटी सी टक शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ लोग जो है वो खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। आप पिकनिक पे आए हुए हो और खाओ ना, ऐसे तो हो नहीं सकता। अच्छा, बेसिकली ये जो आपको क्लिप में नज़र आ रहा है ये एक रेस्टोरेंट था, लेकिन इसके बाहर लिखा हुआ था कि घर के अंदर दाखिल होना मना है, शायद चुगल में लिखा था। खैर बहरहाल, जब आप वहाँ से बाहर निकलते हो तो एक प्रेयर एरिया बना हुआ है, नमाज के लिए थोड़ी सी जगह है और उसमें वज़ू वगैरह करने के लिए ये आपको नल नज़र आ रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो वज़ू के लिए नहीं इसको वहाँ पर पानी में जब नहाने के बाद अपने आप को कुछ साफ़ करने के लिए जो है वो इस पानी को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वापसी पे बच्चों ने कुछ झूले शूले लिए, थोड़ा बहुत इस साइड को भी थोड़ा सा एंजॉय किया।
अच्छा, यहाँ से जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको ये इनका रेगुलेशन रूम नज़र आ रहा है, साथ ही आपको जो इस हेड पे लगे हुए जो दरवाजे होते हैं जो पानी के बहाव को कंट्रोल करते हैं सैलाब की सूरत में, या अगर पानी आपाशी के लिए चाहिए हो, कितना चाहिए है, किस टाइम पे खोलना है, किस टाइम पे बंद करना है, तो ये वो दरवाजे हैं जो आपको इस क्लिप में नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नीचे पानी है और कुछ ओपनिंग्स हैं और ये पानी को कंट्रोल करने के लिए है, उसके बहाव को उसकी ज़रूरत के मुताबिक। वापस जाते हुए आपको रास्ते में बहुत सारी हेड के पास ही जो शॉप्स मिल जाती हैं, जो यहाँ की सौगात है फिश फ्राई, वो आपको वहाँ पर मिलती है। हमने भी जाते हुए वहाँ से पिक की और फिर हम घर की तरफ रवाना हुए, और रास्ते में बच्चों का मूड बना कि फ़िश के साथ साथ हमें कुछ और भी खाना है। तो हम यहाँ पर मॉडल टाउन में बहुत ही मशहूर जो है वो गोलगप्पों वाला है, और इसके तो गोलगप्पे ना बहुत ही आला है, मैचलेस हैं। अगर कभी आप सियालकोट आएँ तो इसके गोलगप्पे अगर आपने नहीं खाए ना, तो आपने इस एरिया को या इस यहाँ के खानों को जो है ना वो प्रॉपरली इंजॉय नहीं किया। तो बस हमने पैक कराए गोलगप्पे, और आजकल इन्होंने शवरमा भी स्टार्ट किया हुआ है तो वो भी हमने इनका ऑर्डर किया। उसके बाद फिर घर की तरफ रवाना हुए। ओवरऑल जो हमारा टूर था बहुत अच्छा था, इंटरटेनिंग था, मज़ा आया फैमिली के साथ। बहुत टाइम के बाद जो है वो क्योंकि कोविड की वजह से इतना ज़्यादा बाहर जाना नहीं होता, तो लेकिन ओवरऑल इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। लेकिन आप इसको, इस हेड मराला को या इसके पिकनिक स्पॉट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लोगों की अट्रैक्शन जो है वो इसकी तरफ करवाने की ज़रूरत है, अदरवाइज ओवरऑल इट वाज़ अ गुड। तो ये घर आकर हमने जो गोलगप्पे हैं उसके अंदर उसकी फिलिंग डाली, और बहुत सारी चटनियाँ इसके साथ मिलती हैं, खट्टी भी, मीठी भी, तीखी भी, दही के लिए, और पानी तो बस लाजवाब है। तो बस इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, और आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स बना लिए ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ। उम्मीद है आपको हेड मराला की सैर जो है वो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।